is another gaseous giant and a very beautiful planet which has a ring around it, Saturn. तो आप लोग को तो यहाँ पे सैटर्न की रिंग नहीं दिख रही है ना? नहीं दिख रही है? तो आप लोग को पता सैटर्न की रिंग कहाँ गई? नहीं, सैटर्न की रिंग जो है अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे अरेंजमेंट का या सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है और उसकी रिंग पे आप लोग हैं. सो यू गाइस आर ऑक्यूपाइंग द रिंग ऑफ द सैटर्न. ओके, सो सैटर्न इज आल्सो अ गैसियस जायंट और सैटर्न की सबसे खास बात यह है कि हम लोग इससे बहुत डरते हैं क्योंकि इसे हिंदी में सनी बोला जाता है. तो सब लोग डरते हैं, लेकिन ये इतना हल्का प्लैनेट है कि अगर हम इसे पानी, अगर इतना बड़ा पानी का वाटर बॉडी हम लोग अरेंज कर ले तो अगर पानी पर रख दे तो ये पानी पे फ्लोट करेगा रेदर देन इट विल सिंक. सबको लगता है कि डूब जाएगा ना, बहुत बड़ा प्लैनेट है, बट इट विल फ्लोट क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 एंड डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज 0.812. And this is the planet which has the most number of moons. It says 82. And we are having one moon of the Saturn, which we call as a Titan. Okay. So it's our Uranus planet. Okay. अभी हमें काफी ठंडी जगहों पे जाने का मन होता है, मतलब ऐसा अगर ठंडी आती जो होता है हिमाचल जाए, मनाली जाए, तो वी कैन आल्सो कंसीडर दिस प्लैनेट टू टेक अ ट्रिप फॉर विंटर वेकेशन. बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ का टेम्परेचर -192 डिग्री सेल्सियस. ओके, बस थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है. और ये प्लैनेट जो है इट्स एन आइसी जायंट और जैसा हमने बताया था कि वीनस के बारे में कि वीनस थोड़ा सबसे अलग चलता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो ये भी थोड़ा सबसे अलग ही चलता है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है और ये अपने एक्सिस पे 89% इंक्लाइंड है. तो व्हेन इट रिवॉल्व्स इट अपीयर्स लाइक इट इज रोलिंग. ओके, तो इसे हम लेजी प्लैनेट भी बोलते हैं. अनदर प्लैनेट व्हिच वी आर हैविंग इज द नेपच्यून and the last planet of our solar system. And if we are seeing Neptune, it is somehow appearing very bluish color. So this bluish color is because of the presence of ammonia over here. And it also has the gases of methane, hydrogen, helium over here. And you can see some white patches on it. So these white patches are the froth of ammonia. Jhag bolte na hum log. So these are the froth of ammonia. And it has 12 moons and also 5 faint rings. Faint rings. Okay. और इसे भी हम consider कर सकते हैं as our winter vacation place. And the temperature over here is -212 degree Celsius. ठीक है. तो शायद से मैंने सारे planets cover कर लिए. कुछ एक छूट गया है तो आप बता सकते हैं. Pluto. Yes. So does Pluto is a planet? No. Satellite. It's a dwarf planet. It's not a satellite. So, इसे देख करके आपके मुंह में पानी जरूर आ जाएगा, because it looks like some chocolate ice cream. Chocolate ice cream. And do you know why we have discarded it as a from the category of planets? अभी आप सभी ने एक मीम देखा होगा. In childhood, while going to toilet, while returning, coming back from toilet. एक ऐसा होता ना पूरा लंबा वाला पाथ, तो मतलब फिक्स पाथ नहीं था हमारे लिए, तो वैसे ही इसके पास भी फिक्स पाथ नहीं था. इट वाज नॉट हैविंग इट्स फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ. और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ कि वो अगर अपने ऑर्बिटल पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साथ या मीटियोर टाइप कुछ टकराते हैं तो दे टेक देम एज देयर सैटेलाइट्स. मतलब वो ऑब्जेक्ट बाद में उस प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे और लेटर ऑन दे आर कंसीडर्ड एज अ सैटेलाइट. तो ये ऐसा प्लूटो के साथ नहीं होता था. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कंसीडर प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. ओके, वन लास्ट स्लाइड फॉर यू एंड एवरीवन हैज टू गेस और से दैट व्हाट दिस येलो स्ट्रक्चर आर. Yes.
satellites and if we can see, this is our India. I hope everyone can see. And just beside that we can see our neighbor China. And above that China we can see the Japan. Okay. चलो अब ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्लाइट का नेटवर्क कहाँ पे है। So it's in North America and South America, and यहाँ पे अगर हम वहाँ के स्काई में देखेंगे तो हमें चिड़ियों की जगह पे हमें एरोप्लेन से दिखेंगे। Okay? So this is how we are using our mineral resources, like इसमें भी fuels रखते हैं, but this is how we are using it. Okay? So this is our last, this was our last slide, and I hope you all enjoyed it. Thank you so much for being with us. And if you all want to take the photograph, I will put the slide of Earth. You can take it.